दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका रूटेड लाइफ के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको फोटोशॉप से फेस रिटच करने के लिए बताऊंगा कि फेस के ये दाग धब्बे आप कैसे हटा सकते हैं और फेस को कैसे क्लीन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर जो मॉडल की फोटो है, ये ऑयली स्क्रीन है इसकी, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इस लेयर को कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद सबसे पहले हम इसके फेस के जो कलर है, कलर टोन को ठीक करते हैं। कलर टोन को ठीक करने के लिए इमेज में चलेंगे एडजस्टमेंट, देन यहाँ पर है सेलेक्ट कलर, सेलेक्टिव कलर। सेलेक्टिव कलर में आपको इसके फेस पर देखना है कि आपको जो भी लग रहा है, रेड ज़्यादा है तो रेड को कम करना है, येलो ज़्यादा है तो येलो को कम करना है। मैं जल्दी जल्दी से कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप इसे प्रीव्यू करके देखेंगे तो ये येलो फेस से आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है, वाइट हो गया है। आप इसे अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं। मैं इसे ओके कर देता हूँ। अगर आप जूम करके देखेंगे तो फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हैं, तो इसको ठीक करने के लिए हम सिंपली यहाँ से हीलिंग टूल लेंगे, जो कि जिसका शॉर्टकट J है। देन आपको यहाँ से साइज अपने हिसाब से ले लीजिए और हार्डनेस 70-75 के करीब रखिए, और जहाँ भी आपको स्पॉट दिख रहे हैं, छोटे बड़े उभरे हुए, सबके ऊपर इसको एक बार सिर्फ से प्रेस करना है। मैं इसे जल्दी जल्दी से कर देता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को, ताकि आपको आसानी हो वीडियो को जल्दी से समझने में। तो जैसा कि आप देखेंगे, फेस के बहुत सारे स्पॉट थे फेस पर, वो सारे हटा दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर फेस के टेक्सचर को ठीक करेंगे। फेस पर कहीं कहीं आप देखेंगे तो ज़्यादा गड्ढे हैं और कहीं पर उभरे हुए हैं, जो कि बहुत सारे हैं, ये छोटे छोटे। इसको हम ऐसे ठीक नहीं कर सकते, बार बार हम इसे हील नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम सिंपल से कोई दूसरा नियम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस लेयर 1 की एक कॉपी बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बना दिया। लेयर 1 की कॉपी बनाकर इसको हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि कोई भी हम इस पर काम करें तो हमें वहाँ से पूरी तरह से चेंज करने की आज़ादी हो। देन इसको करने के बाद आपको Ctrl-I से फ़ोटो को इन्वर्स कर देना है। फ़ोटो देखने में एक पुरानी फिल्म की तरह हो गई, बट आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ से सिंपल आप चलिए विविड लाइट में तो देखेंगे फोटो उससे भी ज़्यादा बुरी दिख रही है, बट कोई बात नहीं, चलते हैं फिल्टर में। देन यहाँ से अदर्स और हाई पास यहाँ से दीजिए। अभी जो मैं इस फोटो की रेडियस को रखने वाला हूँ वो 12-13 के करीब रखूँगा, या फिर 15 के करीब रखूँगा। अगर आपकी फ़ोटो ज़्यादा ख़राब है तो आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं। ओके करने के बाद आप इसे देखेंगे जूम करके तो फ़ोटो हल्की ब्लरी सी हो गई है। वापस हम एक और ब्लर इफेक्ट इसके ऊपर डालेंगे। इस बार हम डालेंगे इसमें गॉसन ब्लर। गॉसन ब्लर अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे फेस के ऊपर एक अच्छा सा टेक्सचर आ गया है, एक अच्छे से मॉडल का टेक्सचर। इसमें भी आपको रेडियस करीब 3 के करीब रखना है, 3 या 4, या फिर आप के फ़ोटो की जो हालत है उस हिसाब से देखकर। मैं यहाँ पर अभी जो यूज करूँगा 6 के करीब यूज कर रहा हूँ, या फिर मैं उससे भी ज़्यादा यूज करूँगा, और ओके करते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे जब हम इसे हाइड अनहाइड करते हैं तो देखेंगे तो हमारे यहाँ पर फेस के साथ साथ हेयर पे भी वो इफेक्ट अप्लाई हो गया है। तो इसको रिमूव करने के लिए सिंपली हम यहाँ से एक लेयर मास्क बनाएंगे। अल्ट को प्रेस करके यहाँ लेयर मास्क, जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ब्लैक कलर की लेयर ओपन हो जाएगी। वाइट को आप फोरग्राउंड कलर कर दीजिए और ब्रश टूल से, यहाँ से सिंपली ब्रश टूल ले लीजिए और साइज अपने हिसाब से ब्रश के, और हार्डनेस 0% करके आप सिंपली अपने सब्जेक्ट के फेस को ब्लर कीजिए। आप जहाँ भी चाहते हैं, आप फेस के जिस भाग को टेक्सचर देना चाहते हैं। अभी शायद आपको ये पता नहीं चल रहा होगा, इसकी ऑपेसिटी को 100 कीजिए और फ्लो को भी 100 कर लीजिए। देन आप पेंट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आपको ध्यान रखना है ये ब्रश वैसे जगह पर नहीं चलाना है जहाँ पर कि ब्लर की ज़रूरत ना हो, जैसे कि आँखों के ऊपर तो नहीं चलाना है, आँखों के ये पीछे आप चला सकते हैं।
अगर आपको लगे कि कहीं गलती हो रहा है तो कंट्रोल जेड कीजिए, या फिर ये बैकग्राउंड कलर जो वाइट पर सेलेक्ट है उसे ब्लैक कर लीजिए, फिर पेंट कीजिए। आप चाहें तो इसके नेक पे भी चला सकते हैं, अगर आपको लग रहा है यहाँ पर भी चलाना है। अपने हिसाब से आप इसको देख सकते हैं और इसकी हार्डनेस को भी कम कर सकते हैं। अगर आप अब इसे जूम करके देखेंगे, गौर से जूम करके देखेंगे, मैं इसे 100% कर देता हूँ, देन इसे हाइड अनहाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें क्या बदलाव हुआ है। जैसे कि यहाँ पर कुछ दाग धब्बे थे, वो हाइड हो गए हैं। दोस्तों मैं आपको बिफोर और आफ्टर करके दिखाता हूँ फोटो में क्या बदलाव आए हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।